और यार कैसा है? बढ़िया हूँ यार, तू बता। एलुमिना मीट पे चल रहे हैं ना? नहीं यार, इस साल नहीं हो पाएगा, वर्कलोड कुछ ज्यादा है। चल ठीक है। यार तू आ गया? हाँ, तू तो नहीं आने वाला था, तेरे लिए आना ही पड़ा। यार बहुत बढ़िया, मैं भी आ गई। किसी मंजिल की फिक्र नहीं थी, फिक्र करने की उम्र नहीं थी। याद है वो सुबह जिस दिन कॉलेज का पहला दिन था? खुश भी थे, सहमे भी थे, नहीं पता था इस अनजान सी जगह क्या होगा। अभी अभी स्कूल ख़त्म ही हुआ था तो कॉलेज के नए सपने सजा रखे थे। अभी तक तो बस सुना ही था कि कॉलेज में ऐसा होता है, वैसा होता है, पर आज हम उसे खुद महसूस करने जा रहे थे। सब नया नया सा लग रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसा सब कहते थे। वो पल याद हैं क्या, जब पहली बार जाकर क्लास में बैठे थे, एक स्माइल सी थी चेहरे पे, वो फर्स्ट ईयर वाला ग्लो जो होता है। टीचर्स ने आकर डरा दिया था, जिसको सीनियर्स कहते थे ऐसा कुछ नहीं है। एक जोश था कुछ करने के लिए, जो पता नहीं था आगे चल के खत्म हो जाएगा। तब तो बिल्कुल कूल बनकर चाहते थे, मालूम नहीं था यह मोह भी वक्त के साथ कम हो जाएगा। बस कुछ दिन की बात थी, फिर तो दोस्त भी अपने जैसे मिल गए। थोड़े दिन घबराहट के बाद इस माहौल में हम सभी ढल गए। क्लास में कम, अब बाहर ज़्यादा रहना होता था। टाइम से कॉलेज पहुँच भी गए तो क्लास में देर से ही पहुंचना होता था। कोई यार अपनी प्रॉक्सी लगवा देता था अगर नहीं जा पाते थे। क्लास को छोड़कर बाहर कहीं भी घूमे, चाहे कहीं पर बैठे ही, बस क्लास में नहीं बैठना था। क्लास में बैठकर मस्तियां ही होती थी, पर हमें कौन सा पढ़ना होता था। शाम को जब छूटते थे तो सीनियर का बुलावा होता था। हॉगवर्ट्स की तरह हमारे यहाँ भी तो विजार्ड कप होता था। ट्रीट का लालच देकर हमको आकृति में खूब घिसा जाता था।
और जिन सीनियर से कभी डर लगता था अब उन्हीं से सारा याराना होता था। 10 मिनट में रेडी होने का जादू यहीं से सीखा। अटेंडेंस के लिए मेडिकल के जुगाड़ का एक से एक नया तरीका। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन मिलकर कॉलेज को ना कोसा हो, सबसे परेशान होकर रोज रोज नई एप्लीकेशन ना लिखी हूँ। चलती क्लास के बीच में ही मूवी का प्लान बन जाता था। किसी बोरिंग टीचर के लिए मास बंक का भी ख्याल आता था। प्रेजेंटेशन देते टाइम क्लास के सामने कितनी हालत खराब होती थी। टॉपिक के बारे में समझने से ज्यादा तो स्टैंड अप कॉमेडी लगती थी। नोट्स मांगते मांगते दिल भी एक्सचेंज हो जाते थे और फिर एमजी रोड पर घंटों तक सैर हुआ करती थी। वैलेंटाइन के पहले फिर फ्रेंड जोन भी हो जाते थे और फंटा फंटियों की लड़ाई के किस्से सरेआम हो जाते थे। कॉरिडोर्स में घूमते घूमते थकते कहाँ थे हम, लाइब्रेरी में तो नज़ारे देखने जाते थे, पढ़ते कहाँ थे हम, बात बात पर तो कॉलेज में फेस्ट होने लगते थे, उसी बीच में इनसेम के टेस्ट होने लगते थे, सबमिशन के नाम पर हमसे क्या क्या करवाया जाता था, वाइवा फाइल प्रोजेक्ट सब एक साथ बनवाया जाता था। ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ बदमाशियां करते थे, टीचर्स की दिल से इज्जत भी करते थे, तभी तो वाइवा के टाइम मौन व्रत ही रखते थे। असाइनमेंट तो अपना आखिरी दिन ही सबमिट होता था। नोट्स बनाने की आदत ही भूल गए थे, मांगने की आदत जो लग गई थी, और आखिर में टिकोड़ और जिगर का ही सहारा होता था। रात तो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाने में कटती थी। एग्जाम से एक रात पहले ही तो अपनी सारी किताबें निकलती थी। फिर सिलेबस पूछना, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आकर लटकते थे। उसके बाद भी कोई चारा बचता नहीं था तो फर्रे ही बनाने पड़ते थे। मार्क्स की कोई टेंशन नहीं रहती थी, बस पास होना बनता था। जो टॉप मारता था उसकी कोई इज्जत ही नहीं, जिसकी बैक लगती थी वो चौड़ में घूमता था। क्लास में अलग अलग जानवरों की आवाज़ निकाल के पूरी क्लास का ध्यान भटकाना, फिर क्रस के पार्ट्स नोट्स मांगने के लिए एकदम जेंटलमैन बन के जाना। क्लास में एक दो लोग ही पानी की बोतल लाते थे, वही बॉटल्स पूरी क्लास में घूमती रहती थी। वो भगवान थे जो सबकी प्यास बुझाते थे। कैंटीन से चिप्स का पैकेट लाके बाहर थोड़ी ना खाना होता था, क्लास में लाकर सीट के नीचे बीच क्लास में दबाना होता था। रोज अपने कॉलेज को खूब बुरा भला कहा, बनता भी है, इतना जुल्म जो सहा, आधी से ज्यादा कॉलेज लाइफ तो एसी में कटी और वहाँ की उधारी भी अभी वापस कहाँ की। रात भर हॉस्टल में सीएसगो होता था और बस किसी जुगाड़ से वार्डन से बचना होता था। 75% अटेंडेंस सच में बहुत तंग करती थी। इसी रूल ने जिंदगी एकदम बेरंग कर रखी थी। प्रोजेक्ट के लिए नाइट स्टे मूवीज में निकल जाता था। साथ में जिम जाने का प्लान करते थे पर पॉसिबल कहाँ हो पाता था। कितनी कोशिश करते थे हम कि क्लास में ध्यान लगा सके, टीचर्स भी अपना बेस्ट देते थे कि थोड़ा अच्छा पढ़ा सके, पर उस माहौल में पढ़ा कहाँ जाता था। फिर आखिर में अपना यूट्यूब ही काम आता था। फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब आखिरी साल आ गया। अभी यहाँ आए थे और अभी जाना पड़ गया। फिर प्लेसमेंट की दौड़ में सब छूटने लगा। लग रहा था जिम्मेदारियों का बोझ सर पर आने लगा है। बेफिक्र जिंदगी जीने का समय अब आंखों के सामने से जाने लगा है। वो आखिरी दिन, वो आखिरी पल, अपनी क्लास में जब बैठे थे, कुछ खो रहा था, कुछ मिल रहा था, जैसे मुट्ठी में रेत का जर्रा जर्रा बिखर रहा था। अभी तो ये कॉलेज अपना सा लगने लगा था और अभी इसे छोड़कर वापस जाना पड़ रहा था। लग रहा था अब इसके बाद क्या होगा, इन कमीने दोस्तों से कभी मिलना भी होगा।
जिन्हें अब तक समेटा था सब बिखर जाएंगे, शायद कुछ रह भी जाएंगे, पर ऐसा वक्त वापस कहाँ ला पाएंगे। अपने कॉलेज की कितनी बेइज्जती करते थे, आज उस कॉलेज की याद आती है। कभी उस रास्ते से गुजरते हैं ना, तो पूरी कॉलेज लाइफ फिर से जी ली जाती है। हम हमेशा चाहते थे कि जल्दी यहाँ से निकल जाएं, अब चाहते हैं कि फिर से वो पल लौट आए। वो दोस्तों के साथ पी हुई चाय याद आती है, वो डिगी पहाड़ों की हवाएं याद आती हैं, वो कॉलेज की लड़कियों की अदाएं याद आती हैं, वो एग्ज़ाम से पहले की दुआएं याद आती हैं। आए थे यहाँ अनजान बनकर, कहे यहाँ से याद लेकर, जब देखा पन्ने पलटकर, मज़ेदार था यार वो कॉलेज का सफ़र।